ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सबको सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड गाइस, इस कॉन्सेप्ट में गाइस आप सभी ने एक चीज को देखी होगी कि गाइस इस फोटो में जो गाइस शैडो बना रखी है भाई ने, एकदम मतलब कितनी रियलिस्टिक टाइप की लग रही है गाइस, है ना। तो आप सभी को मैं एकदम सेम टू सेम बताऊंगा कि आपको ऐसे शैडो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। एंड गाइस, बाकी जो पीएनजीज वगैरह होंगे वो भी हम इसी वीडियो में लगाएंगे, तो सब कुछ मैं आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस, शैडो जो है हमारी बहुत ही मतलब कि सबसे मेन रोल हमारा शैडो ही रखता है। अगर गाइस शैडो एकदम रियलिस्टिक नहीं लगेगी तो फोटो बिल्कुल नकली लगेगी। तो गाइस, आपको शैडो कैसे बनानी सब कुछ मैं आप सभी को वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी गाइस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस, मैं आप सभी के लिए कल एक नया फोटोशूट ब्लॉग डाला था अपने इसी चैनल पे, तो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने इसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको जरूर चेकआउट करना। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। आप सभी को सिर्फ उसके बाद चले जाना आपको एड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। मॉडल का जो गाइस हमें कुछ स्टेप्स ऐसे मतलब कि रोटेट कर लेना, अगर आपको मॉडल थोड़ा सा अगर इस साइड का रोटेट हो तो फिर इसका गाइस आपको अपने मॉडल का कुछ स्टेप्स ऐसे रख लेना है। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को गाइस अपने मॉडल का यहाँ पर डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद गाइस आप सभी को इसकी शैडो कैसे बनानी वो मैं बता देता हूँ। आप सभी को इसको थोड़ा सा रोटेट में जाना है एंड आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन ले लेना है। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को फिर कुछ स्टेप्स आपको इसको अपने मॉडल को नीचे की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको गाइस थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है, तो फिर इजी हो जाएगा थोड़ा। तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पे डन करते हैं। एंड इसके बाद गाइस देखिए, आपको अपने मॉडल को इस टाइप से नीचे की तरफ रखना है। एंड इसके बाद आपको इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा सा कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐसे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। फिर इसके बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको कलर्स वाले ऑप्शन में जाकर आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला ऑप्शन लेना है एंड इसका अमाउंट जीरो करके एंड डन कर देना है। देन गाइस, आपको फिर क्या करना है, आपको इसको मूव डाउन कर देना है। एंड इसके बाद आप सभी को इसकी ओपेसिटी यहाँ पे ऐसे कम कर देना है। एंड देखिए गाइस, कितनी एकदम रियलिस्टिक टाइप की हमारी शैडो बन चुकी है। बट गाइस, अभी इसमें थोड़ा सा काम अधूरा है, वो भी मैं आप सभी को बताता हूँ कैसे करना है। पहले हम यहाँ पे कैट का पीएनजी लगा लेते हैं, ठीक है। तो यार, ये कैट है जो थोड़ा ब्राइट सी है, तो हम इसको ना थोड़ा सा कलर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा कलर एडजस्ट करते हैं इसका, तो इसको हम पहले इस जगह लगा लेते हैं। एंड इसके बाद चलते हैं यहाँ पे एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आप सभी को इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देनी है। कॉन्ट्रास्ट होगा जो गाइस, इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देना है, नहीं कम कर देना है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। एंड सैचुरेशन जो होगा उसका सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर देना, हल्का सा अराउंड 10 तक। एंड इसके बाद जाना आपको हाईलाइट में, हाईलाइट को भी थोड़ा सा कम कर देना। फिर शेडो में जाना है, शेडो में जाने के बाद आपको इसको भी थोड़ा कम कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, डन करना है। एंड इसका एक डुप्लीकेट करना है आपको इसके अपने मॉडल का, इसका सॉरी कैट के मॉडल का। एंड इसके बाद आपको फिर क्या करना है, इसको अभी आपको रोटेट करना है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन लेना है। एंड इसके बाद आपको कुछ स्टेप्स ऐसे रोटेट करना है इसको। रोटेट करने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना है वापस से सेम इफेक्ट वैसे ही इफेक्ट वाले ऑप्शन में। एंड इसके बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाला ऑप्शन लेना है एंड इसका अमाउंट जीरो कर देना है। देन इसको आप डन कर देना है। एंड इसके बाद गाइस आपको मूव डाउन करके एंड इसकी ओपोसिटी यहाँ पे आपको कम कर लेना है, ठीक है। तो गाइस देखिए, एकदम रियलिस्टिक टाइप से हमने यहाँ पे शैडो बना दी है। बट गाइस, में कुछ काम हमारा अधूरा है, जो कि हमें थोड़ी सी हल्की सी ब्लैक कलर का जो शीट होती है हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम ऐड फोटो में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐड फोटो में जाएंगे, पहले इसको डन कर लेते हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ऐड फोटो में जाएंगे। सो यहाँ से ऐड फोटो में चलते हैं एंड एड फोटो में जाकर हम इस ब्लैक कलर पीएनजी को ले लेंगे। एंड इसके बाद आपको कुछ स्टेप्स ऐसे फुल स्क्रीन करके एंड इसके बाद यहाँ से आप सभी को चले जाना है इरेजर टूल में। फिर यहाँ से आपको इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है, आपको साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी फोटो को जूम करना है नीचे की तरफ, मैं आपको शेडो क्रिएट करनी है तो मैं फटाफट करता हूँ। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारी शेडो वगैरह बन चुकी है। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी ओपेसिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम कर लेंगे एंड ओपेसिटी अपने हिसाब से रख के आपको सिंपली करना है कि आप सबको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। एंड गाइस, उसके बाद आपसे फिर करना है, आप सबको इसमें थोड़ा सा ना थोड़ा सा हल्का सा डोज इनबन कर लेते हैं इसमें। तो टूल्स में चलेंगे, एडजस्ट में जाएंगे, एडजस्ट में जाने के बाद आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देना है, इरेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना है एंड गाइस साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना है एंड आपको फोटो को जूम करना है। एंड इसके बाद गाइस, जहाँ जहाँ पे भी आपको डोज इनबन करना हो आपको सिंपली वहाँ पे पेंट करना है कुछ इस टाइप से। तो मैं हैंड वगैरह पे कर देता हूँ, ठीक है। तो इस जगह कर लेते हैं एक और एक इस वाले हैंड पे भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ पे हम डन करते हैं एंड इसके बाद जितना अमाउंट आप रखना चाहो उतना रख सकते हो, ठीक है। तो इसका डन करते हैं। अब गाइस, आप सबको अपनी इस फोटो को सेव करके एंड इसको लाइट रूम ऐप में ले चलना है, क्योंकि रिटच के बिना तो बिल्कुल अधूरी है हमारी फोटो। तो उसके बाद आप सबको फिर क्या करना, लाइट रूम में लाने के बाद आपको स्लाइट वाले ऑप्शन में जाना है। इसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा आपको उसको थोड़ा बढ़ा देना है, हाईलाइट जो होगा इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है। शेडो को गाइस आप चाहो तो उसको कम भी कर सकते हो एंड ज़्यादा भी बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद ब्लैक है जो इसको कम कर देना है एंड व्हाइट को बढ़ा देना है। फिर जाना आपको नीचे कलर्स वाला ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को हल्का सा कम कर देना है। फिर जाना आपको कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, लूमिनस बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको येलो कलर लेना है, आप इसका ह्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड इसका सैचुरेशन प्लस कर सकते हो एंड जाना आपको डार्क ब्लू में, इसका सैचुरेशन आप थोड़ा कम कर लेना क्योंकि ब्लू कलर ज़्यादा ही हो गया। तो अब डन करते हैं एंड जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड जो गाइस फोटो में वीकनेट होगा हल्का सा डाल देना है।
फिर नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड जाना नीचे वाले टूल में। फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड गाइस नोट रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है। फिर नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने। तो गाइस ऐसा करता हूं, आप सभी वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।